हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 18th ऑफ नवंबर, कान्हा का बर्थडे, और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये सुबह सुबह सो करके उठा था, मैं से बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल नींद में था और दिन की शुरुआत हो चुकी है। ऑब्वियसली बर्थडे बॉय है तो इसकी फरमाइशें ज़रूर पूरी की जाएंगी। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं खाने को इसे नहीं देती हूँ, लेकिन आज है इसका बर्थडे, सो फ्रेंच फ्राई और स्माइली ये सारी चीज़ें डिमांड कर रहा था, और ये सारी चीज़ें आज इसको पूरी छूट थी कि जो मर्जी वो खा सकता है। सो इसलिए मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी। तो ये है इसका फर्स्ट ट्रीट, और इसके बाद इसने पिज्ज़ा खाई है जो कि इसके बुआ ने इसे गिफ्ट भेजा था, और इसे पिज्ज़ा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे ये सारी चीज़ें, फ्रेंच फ्राई हो गया, स्माइली, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें से बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसे देती नहीं हूँ कभी कभी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे रात में, दिन भर तो ये सारा कुछ हुआ, स्पेशल ट्रीट इसको दिया गया, और उसके बाद हम लोग आ गए थे रात में होटल खाना खाने के लिए। देन वहाँ पे ये बहुत दिनों से हॉट डॉग कर रहा था, तो मैंने इसे हॉट डॉग मंगवा के दिया, और ये मैंने इसे बहुत चिढ़ा रही थी, हॉट डॉग को हिंदी में क्या कहते हैं उसको हिंदी ट्रांसलेट करके बता रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा सीरियस था, बोल रहा था नहीं ये नहीं होता है, मैं तुम्हें पूछवा देता हूँ वेटर से। सो इसी में भी लगा हुआ था, और उसके बाद हम लोग अच्छे से खाना पीना खाए और केक हम लोग काटेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन जो भी किया है बहुत मज़ा आया, बच्चे खुश हो गए और कैची हुए, और इसका बेस्ट फ्रेंड है हर्षु जो कि हमेशा इसके साथ होता है। ये आ जाए तो फिर इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। सो इसको हम लोगों ने बुला लिया था, और देखिए हर्षु के साथ हमेशा रहेगा, इससे कभी अलग नहीं हो सकता, ये इसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। सो नमकीन है खा, और तो मीठा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा तो है। आप खाएंगी मम्मी? दीदी का ऊपर वो देखा था उसको, उसका लगा देखना क्या कैसे उठाना, एक उठाओ ना ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे उठा के खाओ, हाँ खाओ, कैसा है कैसा है? अच्छा है तो खाओ फिर, ये बोला नहीं भाई इसको पसंद नहीं है, जो आप कहीं ना कहीं ना पापा पसंद है, आप लोग मेरी जाए ना तो ले यहाँ पर बच्चों का फेवरेट माजा, माजा नहीं एक्चुअली स्लाइस है, ये हम लोगों ने पिया, उसके बाद हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। तो हम लोग ने काफ़ी, मतलब कि बच्चों के लिए हम लोगों ने सोच रखा था कि आज इन लोगों को एक्चुअली खाना को बहुत ज़्यादा पसंद है नान खाना, और होटल का खाना पता नहीं बचपन से इसे बहुत ज़्यादा शौक रहा है, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद, और खाना खाने के बाद हम लोग केक कट करेंगे, लेकिन हाँ केक कट यहाँ पर नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, घर जा कर के करेंगे, और केक हम लोग यहीं से लेकर के जाएंगे, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर बोला हुआ था केक के लिए, सो केक रेडी है, तो केक हम लोग घर जा कर के कट करेंगे। तो चलिए आपसे मिलती हूँ घर में थोड़ी देर में केक लेकर। तो ये देखिए, ये है कान्हा का केक चॉकलेट फ्लेवर, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आती है, सो इसलिए हम लोगों ने ये केक लिया है। तुरंत लेकिन बज गया ना, बस हो गया बेटा, इतना निकाल दे।
राम जी सबरी का जूठा बैर खाए थे मम्मी भाव देखना जी कैसे बस केक कट हो गया और ठाकुर जी को भी खिला दिया गाना ने, क्योंकि ठाकुर जी भी एक तरह से बच्चे ही हैं, तो इनको खिला दिया। और उसके बाद इन लोगों ने जो मस्ती की पूछिए मत, और एक दूसरे को लगाना बच्चे बच्चे का होता ही है, जब दो तीन बच्चे एक साथ हो जाए ना तो फिर वहाँ पे मस्ती होनी ही होनी है। और हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही सिंपल तरीके से मनाया था, लेकिन हाँ एक काम अच्छा ये किया कि हम लोगों ने कुछ कंबलें मंगवाई, ब्लैंकेट, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है। और स्टेशन हम लोग गए, वहाँ पर जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, जैसे जो मतलब होते हैं भिखारी होते हैं, जो ठंड में बिल्कुल ऐसे ही सोए रहते, तो उन लोगों को हमने ब्लैंकेट दिया, उड़ाया, बच्चों कान्हा से ही उड़वाया एक्चुअली, क्योंकि कान्हा का बर्थडे था। तो इसके जन्मदिन पर मैं हमने ये एक अच्छा काम किया। और बस यही है छोटा सा व्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और आई होप कि आगे से व्लॉग कंटिन्यू आए, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमें दें। तो चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। छोड़ दो बेटा, डर गई, डर गई, चल यही है जिसको रोज देखते हैं। हाँ, रोज ऐसे ही सोई रहती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।